शहीद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटका एक्सप्रेस पोल टीवी न्यूज में। कर्नाटक में 2 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां मुकम्मल। कल 3 नवंबर को कर्नाटक में होने वाले 2 विधानसभा 3 लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग पूरी तैयारियां कर चुकी है। बल्लारी 1901, शिमोगा में 2002, मंडिया में 2047, रामनगर में 227 और जमकंडी में 226 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस उपचुनाव में 9822 ईवीएम मशीनों और 8438 यूनिट और 8922 वीवीपैट इस्तेमाल किए जाएंगे। कांग्रेस का कमाल, बीजेपी बेहाल, जेडीएस मालामाल। विधानसभा उपचुनाव में अब हालात बदल गए हैं। 10 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले चंद्रशेखर ने बीजेपी के टिकट पर रामनगर से चुनाव लड़ रहे थे, पर कल अचानक इन्होंने बीजेपी को करारा झटका देते हुए चुनाव से पीछे हट गए हैं और दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे सियासी घमासान जोर हो गया है। अब बीजेपी चंद्रशेखर के इस झटके से उबरने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत करके चुनाव को मुलतवी करने की मांग कर रही है। कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार और उनके भाई ने मिलकर चंद्रशेखर को फिर से कांग्रेस में लेकर सियासी खेल खेला है। उड़पी में 3 लोग गिरफ्तार। उड़पी में आज मुंबई से केरला जाने वाली नेत्रावती एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 1.65 करोड़ रुपए अभी आया नहीं हुई है। मणिपाल पुलिस और रेलवे पुलिस छानबीन कर रही है। बल्लारी लोकसभा उम्मीदवार का घर जब्त करने का आदेश। बल्लारी में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे वीएस उग्रप्पा के और सामान को जब्त करने का दौड़ बल्लापुर कोर्ट ने हुक्म दिया है। कहा जा रहा है कि 2010 में एक एक्सीडेंट को लेकर 2012 में मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाजिर न होने और जुर्माना न भरने पर यह हुक्म सुनाया है। आशिक के चैलेंज को कबूल करके माशुका की मौत। दिव्या और हरीश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक हरीश एक और लड़की से प्यार करने लगा। वजह पूछने पर दिव्या को बताया कि तेरे प्यार पर मुझे भरोसा नहीं है। दिव्या ने पूछा कि बताओ मैं कैसे अपने प्यार का सबूत दूं। हरीश ने कहा था कि जहर पीकर अपना प्यार साबित कर। दिव्या ने जहर पीकर प्यार साबित किया। इलाज के दौरान अस्पताल में दिव्या की मौत हो गई। अवल हल्ली दर्ज हुआ है। बेंगलुरु में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बेंगलुरु सहित कर्नाटक के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी है। बीवी से झगड़ा, टावर पर चढ़कर जान देने की धमकी। बीवी से झगड़ा करके 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश की महेश ने। यह घटना नगर वेंकटयन छात्र की है। फायर और पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर इसको बड़ी मुश्किल से आखिरकार टावर से नीचे उतारा। और खबरों के लिए देखते रहिए पोल टीवी न्यूज़।